रेडी हो गया मेरा राजा भाई। अच्छा लग रहा हेलो हाय नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हल्दी सेरेमनी हो रही थी और सेम डे इवनिंग में मेरा भाई निकल रहा है, हम जो बहुत दूर जाने वाले हैं ब्राइड के घर। तो मतलब जो शेरवानी तो उसने नहीं पहना था क्योंकि अभी बस ऐसे ही घर से निकल रहा था, कुर्ता पजामा जो भी है अपना उसको पहन के और बस घर से निकल रहा है और हम सभी साथ ही निकल रहे हैं। आप वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, मतलब मेरे छोटे भाई को मैंने खुद रेडी करके मैंने उसे मतलब दूल्हे के वैसे मैंने उसे रेडी किया, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। और ये आप देखिए, हम लोग बस में बैठ गए और बस अपने जो एरिया से निकल ही रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप भी थी, एक बारात ले जाने के बहाने से फैमिली के साथ बहुत ही मस्त टाइम स्पेंड हुआ। ये मेरी मम्मी एंग्री बर्ड होके देख रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर था तो बस चलते ही जा रही थी। और चलिए मैं आप लोगों को अपने फैमिली से मिलाती हूँ। अरे 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 मेरे भाई को तो भूल ही गई रे। पूरे 13 आवर्स ट्रैवल करने के बाद हम लगभग पहुंच ही गए थे उनके घर और पूरे रास्ते इसी टाइप का ही सीनरी था, तो कहीं पे कुछ अच्छा खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, जंगल में क्या ही खाएं। और इतनी लंबी जर्नी के बाद कोई भी थक जाएगा, लेकिन खुशी इतनी ज़्यादा थी ना कि थकान का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फाइनली हम उनके घर पहुंच गए और आते ही हम लोग यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्ट जो उन लोगों ने अरेंज किया था मेरी भाभी के घर पे, तो हमने उसे एंजॉय किया। देख मेरा यूट्यूब व्लॉग चल रहा है। मेरी जो कज़न है जिसके पास मैं अक्सर पहले भी गई थी, मैंने व्लॉग डाला था झारसुगुड़ा, तो उसी की बेबी है ये और मरीशु तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उसके साथ, उसको बहुत अच्छा लगता है बेबी के साथ खेलना और स्पेशली उसकी बेबी सिस्टर के साथ। तो आप देख ही सकते हैं वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा था कि कोई उसे टच करे या कोई उसे ले जाए। और आजकल सभी का ही इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है कि कोई किसी को टाइम नहीं दे पाता। शादी में हम सब एक साथ मिले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही मेमोरेबल जो ये जर्नी थी। हमारा मामा मैडम ते तारो संगो से कर कर मुझे बोलो ऐले ले ले कौन है ले हाय कर दे तो कांदे कांदे फेस रे हाय फेस कांदे लगाणो भाई। और शादी वाले दिन ही ना इतनी लंबी जर्नी के बाद मेरे भाई की भी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर भी आ गया था उसको,
इसलिए उसका फेस उतरा हुआ है बिल्कुल। तो बस मैं अभी उसको रेडी करूँगी। वैसे यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा है कि उसको किस तरह से सजाया जाए, तो मैं ही उसे तैयार कर रही हूँ। और उसके जो कुमकुम हमारे यहाँ पे लड़कों को भी कुमकुम से ही सजाया जाता है, तो बस वही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बारात लेके निकलने ही वाले हैं। बारात से पहले बस एक लास्ट रिचुअल होती है जो आप अभी देखेंगे, कनकांजलि उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये मेरी बहन अपना सबसे सुंदर लहंगा पहन के शो ऑफ करते हुए, और बस उस एक लास्ट रिचुअल्स के बाद हम निकल पड़ते हैं बारात लेके। और बारात हमने कैसे ली, शादी के बाद आगे क्या क्या हुआ, बारात लेके जाने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हम बारात लेके गए, वो सब वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ऐसे मैं अपने भाई को तैयार करने के चक्कर में और बस यही सब काम में ना मैं बिल्कुल ही भूल गई अपना एक भी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। पता नहीं अब कैमरामैन ने अपने आप से कराया होगा तो वो अलग बात है, बट मैंने बोल के एक भी मतलब फ़ोन भी मैंने एक भी फ़ोटोज़ मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया। शायद एक है वो मैं थंबनेल में ही लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स मेरे भाई को उसके मैरिड लाइफ के लिए गुड विशेस दीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं कैसी लग रही थी ये भी ज़रूर बताइए। वैसे सबसे अच्छी मेरी बहन ही लग रही थी
तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।